अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इजी सा बताऊंगी कैसे आप मिंट मार्गरेटा बना सकते हैं इजी अपने घर में। तो उसमें के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या लेना है, मिंट लेना है, यानी कि पुदीना ले लें। पुदीने को आप चाहें तो ग्राइंड कर लें। तो मैं तो ये मेरे पास छोटी सी लंगड़ी है, इसमें काफ़ी अच्छा जो है ना वो पीसने होता है तो और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा था। तो मैं थोड़ा सा पुदीना ले रही हूँ, ठीक है, फ्रेश जो मेरे घर का पुदीना है वो। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर पीस लेती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा पीस लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको कैसे जो है ना आगे करना है। तो ये तकरीबन जो है पिस चुका है, तो अब इसको हम जो है वो कर देते हैं, थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने लेना है जी एक गिलास। ग्लास के बीच में हम क्या कर लेते हैं, ग्लास मैंने लिया, इसके बीच में मैं तकरीबन डालूंगी ये मेरे पास ये लेमन है, इसको मैंने स्क्वीज़ करके रख लिया था। तो ये तकरीबन जो है ना मैं एक टेबलस्पून जो है इसके बीच में मैं लेमन डाल रही हूँ। एक टेबलस्पून है ये तकरीबन जो है ना एक लेमन जो होता है ना, मतलब कि थोड़ा बहुत छोटा साइज का नहीं, थोड़ा बड़ा साइज का लेमन, वो मैंने लिया है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ग्राइंड करके शुगर ले ली थी, मैंने इस वजह से ग्राइंड करके शुगर ली है क्योंकि अगर फिर इस तरह फिर उसे मिक्स करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपके पास ग्राइंड शुगर नहीं भी है तो दूसरी शुगर डाल के उसे मिक्स कर लेना। तो तकरीबन आप ना अपने हिसाब से, मैं वैसे इसके बीच में तकरीबन डाल रही हूँ ये 1.5 टेबल स्पून बीच में मैं शुगर डाल रही हूँ, ठीक है, ये मैंने डाली बीच में। और उसके बाद ये जो हमारा मिंट था जिसको मैंने यहाँ पे पीस लिया था, इसको हम बीच में डाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये स्पून ले लेती हूँ और स्पून से ना इसके बीच में हम इसको डाल लेते हैं। ये मैं इसको बीच में से एंड से उतार लेती हूँ। बिल्कुल जो है ना आपने सही तरीके से ना इसको आपने पीसना है, नहीं तो वो फिर बड़े बड़े जो लेमन के लीव्स नज़र आ रहे होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। तो ये भी मैंने बीच में डाल लिया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स, ठीक है, ये मैं इसको ज़रा सा मिक्स कर लिया। अब इसके बीच में हम डाल देते हैं, ये मैंने जो है ना आइस लिया, ठीक है। तो ये आइस जो है ये भी इसके बीच में डाल देते हैं, जितनी भी है सारी डाल दें क्योंकि आइस जो होती है ना, मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना रहे हैं तो उसके बीच में तो फिर आइस तो ठीक ठाक होनी चाहिए। ये मैंने आइस डाल दी। अब आइस के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी आप जो है ना वो सोडा ले ले। मैंने यहाँ पे जो है ना ये गोरमे लेमन अप लिए, एले इस्लाम पर सलामती हो, एले पाकिस्तान पर सलामती हो, अपनी चीज़ को प्रमोट किया करें। अच्छा ये, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, ये मैं डाल दूँगी, ठीक है, और हम यहाँ पे भर लेंगे अपने ग्लास को, ठीक है। ये मैंने भर लिया। अभी इसमें एक चीज़ रहती है जो भी हम डालेंगे और वो है, अब इसके बीच में हम तकरीबन हाफ टी स्पून से भी कम इसके बीच में ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक जो है वो डाल देंगे। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपने लाजमी डालना है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे मिक्स, और ऊपर थोड़ी सी जगह खाली है, थोड़ी सी और बीच में हम डाल देते हैं अपनी जो ड्रिंक है, ठीक है। अब इसको हम सही से मिक्स कर लेते हैं और ये हो गई जी हमारी मिक्स। मिंट को इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिंट को आपने सही से ग्राइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक जो लेमन है ना इसकी थोड़ी सी हम गार्निशिंग भी कर देते हैं, और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एक इसकी यहाँ पे लेमन, ठीक है जी। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी जिसमें मैंने आपको बताया मिंट मार्गरीटा। तो ये है जी ऊपर से ऐसी लुक है और साइड से ऐसी लुक है इसकी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।